हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल शेख साहब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ कि जियो डिजिटल लाइफ यानी जियो कंपनी में किस तरह से जॉब जो है प्राप्त कर सकते हैं, मतलब किस तरह से जॉब के लिए अप्लाई करें, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को जो एंड तक देखते रहिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड शेयर करें। और दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएँ। और जिन्होंने हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट खबरें मिलाते रहता हूँ जॉब से रिलेटेड और टेक्निकल से रिलेटेड। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, जॉब जियो जॉब 2020 जियो कैरियर अप्लाई, यहाँ पर डिप्लोमा जॉब्स और ITI डिप्लोमा जॉब्स 15 जुलाई 2020, यानी ये आज की लेटेस्ट खबरें दोस्तों बता रहा हूँ मैं आपको। तो वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिए किस तरह से अप्लाई करना है। गेट ऑल लेटेस्ट जियो जॉब्स अपडेट हेयर। जी दोस्तों, देख सकते हैं कंपनी नेम जियो है दोस्तों, इसको पढ़ भी सकते हैं आप। ये डिस्क्लेमर यहाँ पे दिया हुआ है कुछ जियो के बारे में, किस तरह से कंपनी है, क्या प्रोवाइड करवाती है, क्या बनाती है, तो यहाँ पे आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। जी दोस्तों, जियो इज़ नॉट जस्ट अ टेलीकॉम नेटवर्क, इसका मैं हिंदी अनुवाद बता देता हूँ क्या है। जियो केवल एक दूरसंचार नेटवर्क नहीं है, यह एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है जो भारतीय को डिजिटल जीवन पूरी तरह जीने देता है। इस पारिस्थितिकी तंत्र में शक्तिशाली ब्रॉडबैंड नेटवर्क, उपयोगी अनुपयोगी सर्वश्रेष्ठ श्रेणी की सेवाएं और भारत के हर दरवाजे पर विपरीत स्मार्ट उपकरणों में शामिल है। जी दोस्तों, देख सकते हैं आप, इस तरह से आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, इसका हिंदी अनुवाद निकाल सकते हैं। दोस्तों जॉब किस पोजीशन पर रहेगा, उसका पोजीशन यहाँ बताया हुआ, जॉब है फील्ड इंजीनियर का। जी दोस्तों, और नंबर ऑफ वैकेंसी बता देता हूँ, यहाँ पे 7 वैकेंसी है दोस्तों। क्वालिफिकेशन डिप्लोमा चाहिए, जॉब एक्सपीरियंस दोस्तों मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 3 ईयर। जी दोस्तों, देख सकते हैं आप, 1 से 3 साल के एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद जॉब लोकेशन की बात कर लेते हैं, तो पैम इंडिया। जी दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे सैलरी यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ, नॉट मेंशन है अभी। तो दोस्तों, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए यहाँ पे, इंस्टॉलमेंट रियल ट्रेकिंग एंड इकोंगुलेशन मैनेजमेंट, विजिट साइट रेगुलर एंड इंश्योर ऑल साइट आर अप एंड रनिंग। जी दोस्तों, देख सकते हैं, सुपरवाइज रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑप्शनल रिलेटेड एक्टिविटी। जी दोस्तों, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, ये बताया दोस्तों यहाँ पे, देख सकते हैं आप कि रेडियो फ्रिक्वेंसी अनुकूलित संबंधित कार्यक्रम के पर्यवेक्षण। जी दोस्तों, देख सकते हैं आप इसको, इसी तरह से आप इसके जो है पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर इन ऑडिट ऑन टाइम टू टाइम बेसिस, मतलब कि यहाँ पर ये बताया गया है कि सीनियर जो इंजीनियर है वो जब फील्ड में जाके ऑडिट करना है कि भाई बंदे सी ठीक तरह से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, देख सकते हैं आप। इसी तरह से इसके बारे में दिया हुआ, तो दोस्तों देख सकते हैं आप, इसको पढ़ सकते हैं आसानी से। अप्लाई लिंक दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप सिंपली इसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्त। ये जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं दोस्तों, द जॉब पोर्टल इज डिजाइन टू प्रोवाइड फ्री टू चार्ज सर्विस टू द ITI डिप्लोमा बीटेक क्वालिफाइड कैंडिडेट विथ इन एम टू हेल्प कैंडिडेट टू गेट सुटेबल फ्रेशर वॉइस जॉब। इसमें यह बताया गया दोस्तों, इस जॉब के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा, फ्री है जॉब, कोई पैसे नहीं लीजिएगी कंपनी आपसे, ये हमें बताया गया है। और आप इसको जो है डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, लेके चलते हैं आपको हम इसके वेबसाइट लिंक पे। जैसे ही दोस्तों उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, तो आप सिंपली इसके साइट पे आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ से आप इसका डिटेल और भी निकालना चाहे तो वो निकाल लीजिएगा, यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारी जो है जॉब मिल जाएगी दोस्तों, देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे अप्लाई करना होता है, आप किस में जो है अप्लाई करना चाहते हैं। दोस्तों, ये था वीडियो, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। बस दोस्तों, आज तक इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।